हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अमीश वीडियो। तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो है और बाकी बातें बाद में करेंगे। अभी हम लोग मिस्टर अपना एनेग्नॉस माइकल एनेग्नॉस का हम लोग करेक्टर स्केच करेंगे और शुरू करते हैं यार बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो मिस्टर एनेग्नॉस, इनका पूरा नाम माइकल एनेग्नॉस था। मेन थिंग ये थी कि ही वॉज डायरेक्टर ऑफ पर्किंस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए वैसे फॉर ब्लाइंड। तो पर्किंस इंस्टीट्यूशन जो था, काफ़ी बार स्टोरी में नाम आया, तो उसके वो डायरेक्टर थे। अब क्या था वो बात, वहाँ तक कैसे पहुँची? हेलन के फादर ने ग्राहम बेल, डॉक्टर ग्राहम बेल को पूछा था कि कोई टीचर हो इसके लिए, तो उन्होंने बताया था कि पर्किंस इंस्टीट्यूट को आप कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़, अच्छे काफ़ी कंसर्ननेस के साथ पढ़ाए जाते हैं बच्चे। तो इसलिए फादर ऑफ हेलन रोट अ लेटर टू हिम आस्किंग अबाउट अ गुड टीचर फॉर हिज डॉटर हेलन हु वॉज ब्लाइंड एंड डेफ। अब देखो यार, थोड़ा सा देखोगे ना तो कैसे इस सेंटेंस को थोड़ा लंबा किया गया है, ठीक है? यहाँ पे फॉर हिज डॉटर भी चल सकता था, लेकिन हेलन हु वॉज ब्लाइंड एंड डेफ, तो ऐसे ही तुमने इस आंसर को, जो तुम्हारा आंसर होगा उसे बड़ा करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ही पब्लिश्ड हेलन्स स्टोरी कॉल्ड द फ्रॉस्ट किंग इन 1892 में लगभग हेलन शायद 12 साल की थी और 12 साल की उम्र में उसने फ्रॉस्ट किंग लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी एक जर्नल में जो कि खुद पर्किंस इंस्टीट्यूट की थी। तो बात एक यहाँ से बिगड़ गई थी कि जो स्टोरी थी वो सिमिलर निकली मार्गरेट कैबी, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उसके सिमिलर निकली। और इस बात पे मिस्टर एनेग्नॉस जो थे उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया, मतलब कोई किसी की स्टोरी कॉपी कर रहा है, और इसलिए हेलन पे एक प्लैगरिज्म का जो था वो, प्लैगरिज्म मतलब कि किसी चीज़ को कॉपी करने का कोई आरोप लगना, तो वो उस पर लगा था। और इसलिए ही हेलन ने काफ़ी टाइम तक कुछ लिखा नहीं था, तो यही रीज़न था कि उसने बाद में जाके, बहुत टाइम बाद जाके द स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखी। और इस बात पे लगता था उन्हें कि उसने, हेलन ने उनसे झूठ बोला, ठीक है? तो लेटर द मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व, अब सॉल्व तो हो गई थी, लेकिन ये कब हुई थी? जब जो इसकी नई बुक थी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, वो लेडीज़ जर्नल में छपी थी, और तब इन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि मेरे को उस टाइम हेलन पे शक नहीं करना चाहिए। और ये नहीं था कि यार कि इन्होंने सिर्फ हेलन पे शक किया, इन्होंने उस टाइम पे जो इसकी टीचर थी एनएस सुलेवन पे भी शक किया। अब क्योंकि एनएस सुलेवन को इन्हीं ने भेजा था, तो अब ये चाह रहे थे कि मैं एने को उस टाइम से ज़्यादा उनका टीचर ना रखूँ। और उन्हें ऐसा लगता था कि एने ने किसी तरीके से हेलन की मदद की है ताकि वो एक स्टोरी कॉपी कर पाए। और बट एट द सेम टाइम ही वॉज मैन, मतलब लेटर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो गई थी, लेकिन वो ऐसे बंदे नहीं थे जिनका बार बार भरोसा तोड़ के आप भरोसा रिगेन करवा सकें। तो हेलन वॉज केप्ट जस्ट रिगेट, तो हेलन को हमेशा इस बात का दुख लगा रहा था। काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे वो लोग। अब मैं यार जो बोल रहा हूँ ना, ये सारे पॉइंट्स हैं, भले ही यहाँ पर लिखे ना हो, लेकिन ये पॉइंट्स हैं। और मैं अपने डेस्क पे नहीं जा सकता इसलिए यार तुम्हें मेरे हाथ नहीं दिख रहे होंगे, ये सिर्फ एक फ़ोटो है। और हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ही वॉज काइंड हार्टेड मैन एंड ऑलवेज हेल्प्ड हिज स्टूडेंट्स पर्सनली, तो काइंड हार्टेड मैन थे और स्टूडेंट्स की हमेशा हेल्प करते थे, ठीक है? कभी अपने स्टूडेंट्स को अकेला नहीं रहने देते थे। और बेसिकली वो ग्रीस के रहने वाले थे, ग्रीस में उनका जन्म हुआ था। तो यार इसको ना तेरा ध्यान से सुनना, ठीक है? हर चीज़ को ध्यान से सुनना। और ग्रीस में उनका जन्म हुआ था और लेटर ऑन वो शिफ्ट हो गए थे या माइग्रेट हो गए थे अमेरिका में। ही हैड साइंटिफिक बेंट ऑन माइंड एंड मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स। अब यहाँ पे साइंटिफिक से मतलब यार है लॉजिक, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ हुए में बातें करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन ये बंदा था, ये बहुत लॉजिक बंदा था, ठीक है? एक साइकोलॉजिकल जो चीज़ होती है ना यार कि हाँ बच्चे कैसा सोचते होंगे, बच्चों के साथ डील वैसे ही करना है, तो वो सब था। वो कभी भी हवे में बातें नहीं करते थे, ठीक है? तो काफ़ी सिंपली और लॉजिक बातें किया करते थे, ठीक है? ही चोज मिस सुलेवन एज हेलन्स टीचर। अब जैसे हेलन के फादर ने उनसे किसी टीचर की मांग की, तो उन्होंने एक ही नाम सजेस्ट किया, हेलन, सॉरी एने का, ठीक है? अब एने काफ़ी यंग ग्रेजुएट थी, तो उन्होंने सोचा होगा यार कि चलो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं, इनका भी एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा। ही वॉज बोथ सिंपथेटिक एंड प्रैक्टिकल। अब देखो वही बात आ गई, सिंपथेटिक हम लोग पॉइंट नंबर जो भी है फोर्थ, लास्ट फोर्थ में देख सकते हैं, लास्ट फिफ्थ में, कि
अपने स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे, तो सिंपथेटिक भी थे और प्रैक्टिकल भी हम बात कर चुके हैं। अब ऐसे ही तुमने लंबा करके लिखना आंसर, ठीक है? और लास्ट वाला दोबारा लंबा करने के लिए लिखा हुआ है, लेटर मिस्टर रैगनारोस बिलीव दैट हेलेन वॉज इनोसेंट बट नो लॉन्गर अपीयर टू बी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर। तो वही बात लिखी है, बार बार लिखी है, अलग अलग वर्ड्स में लिखी है। अब तुम्हें इस बात का तो आंसर मिल गया होगा कि तुमने एक्चुअल में आंसर लिखना कैसे है पेपर में, ठीक है? और बहुत क्लोजली मत लिखना तुम इन सेम पॉइंट्स को, थोड़ा सा गैप देके। और मैं चाहता हूँ यार तुम लोग हेलेन केलर का बहुत अच्छे से कर लो। कल होली है तो विश यू अ हैप्पी होली, और एक्चुअली हैप्पी एंड सेफ होली। कोशिश करना कि बीमार मत हो, और सेफली खेलना, किसी और को पतंग मत करना, खुद भी मत पतंग होना। और इसके बाद वैसे तुम लोग जा सकते हो, बात ये बतानी थी मैंने कि इसके बाद मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ जो थोड़े से तुम्हारे जो टिप्स के लिए कह लो या कुछ बातें करनी है मैंने, तो उसके लिए मैं वीडियो डालने वाला हूँ। जिसने वीडियो यहाँ तक देखी है, थैंक यू। और ठीक है यार, मिस्टर एनिग्नोस हो गया है, अब हमारे मेजर 10 कैरेक्टर्स हो गए हैं, कैरेक्टर जो बुक है हमारी नॉवल है। और इसके साथ हमारी नॉवल तो यार मेरे हिसाब से तो ख़त्म हो गई है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।